हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ब्लॉगर में कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, उर्दू कैसे लिखेंगे। साइन इन हो जाइए साइन इन blogger.com। पहले आपको जीमेल होना चाहिए आपका। आप जीमेल में साइन इन हो जाइए, उसके बाद साइन इन ब्लॉगर हो सकते हैं आप। पहले आप लॉग इन हो जाइए जीमेल में, और जब आप ब्लॉगर पर जाएंगे तो आपका जो ब्लॉग हमने पहले दो वीडियोस में बनाया था वो ब्लॉगर आपके सामने आ जाएगा। आप उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ब्लॉगर पर आपने क्लिक किया, ब्लॉगर के पोस्ट पर आपने क्लिक किया, जो भी पोस्ट पहले था उस पर जिस तरह हमने लिखा था, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ सलमान अली, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। उसमें ये पिक्चर मैंने लगाई थी, पिक्चर तो बहुत बड़ी थी, इसलिए मैं इस पर क्लिक करके पिक्चर की साइज़ चेंज करता हूँ, उसको स्माल करता हूँ। उसको मैंने पिक्चर को स्माल किया, पिक्चर पर क्लिक किया, राइट क्लिक की पिक्चर पर क्लिक किया तो ये सामने आ गया। उस पर यहाँ पर क्लिक किया तो स्माल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या ओरिजिनल, मैंने स्माल पर क्लिक किया तो ये स्माल हो गया। और उसको नीचे जो हमारी वीडियोस थी वो अपनी जगह पर है। मैं ये वाली वीडियो डिलीट करता हूँ, उस पर क्लिक करिए और डिलीट का बटन दबाइए तो ये डिलीट हो जाएगा। और ये वाला वीडियो भी मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि हमें कुछ और करना है। नीचे लिखेंगे, अभी हम लिखना है क्या जानवरों के बारे में, ये मैं सब डिलीट कर रहा हूँ आज, ठीक है। माय नेम इज़ सलमान अली, आई एम फ्रॉम मर्दान, ये तो छोड़ देता हूँ, ये छोटे छोटे जो लिखे हुए हैं। उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ मैं इसको बड़ा, पहले बड़ा करता हूँ, लार्जेस्ट साइज में कर दिया। देयर आर मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स इन काइंड्स देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन इन मर्दान, ओके। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन मर्दान। अभी ये जो मैंने लिखा है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल इन मर्दान, मैं उर्दू में लिखना चाहता हूँ, यहाँ मैं उर्दू में लिखना चाहता हूँ। तो आप जाइए गूगल में, जाइए इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन खोलिए, इंग्लिश टू उर्दू लिखिए गूगल में तो ये आ जाएगा। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देयर आर, वहाँ क्या लिखा था, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन मर्दान, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन मर्दान, मर्दान में कई तरह के जानवर है, ये यहाँ लिखा हुआ आ गया, मर्दान में कई तरह के जानवर है, इसको ट्रांसलेट किया है वो यही लिखा। अब मैंने इसको, ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करके आप इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए या जो भी आपके माउस में है आप कीजिए और कॉपी पर क्लिक कीजिए। अगर आप ये नहीं क्लिक करना चाहते तो ये जो लिखा हुआ, ये जो दो 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 नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। या सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल सी कर लीजिए, कंट्रोल सी करके या ये वाला करके, जिस जो भी आप करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी के बाद आप फिर से पोस्ट, एडिट पोस्ट में आ जाइए। एडिट पोस्ट में आकर आपने यहाँ पर फिर से आपने जो आपका लेफ्ट कीता माउस पर वो क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया पेस्ट, तो पेस्ट में राइट अवे यहाँ पर आ गया कि मर्दान में कई तरह के जानवर हैं, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक, सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दिया और फिर इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। मर्दान में कई तरह के जानवर हैं, देखिए, पर ये अब लिखना यहाँ से होना चाहिए, ये उर्दू तो यहाँ से नहीं लिख सकते, इंग्लिश लिख सकते पर यहाँ से नहीं लिख सकते। इसको सेलेक्ट किया और हमने फिर यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पहला वाला है उस पर क्लिक किया, उसमें आपने लेफ्ट लिखना है, बाएं जानिब करना है, सेंटर लिखना है, राइट लिखना है या जस्टिफाई करना है। मैं अगर सेंटर करता हूँ तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है, और मैं अगर राइट करता हूँ तो राइट पूरा राइट की तरफ आ जाएगा, ओके। गस तरफ तब राशि, आखिरी तरफ तब राशि या मेंस तराशी, लेफ्ट आएगा, राइट आएगा,
दाएं आएगा, बाएं आएगा या बीच में आ जाएगा। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल इन मर्दान, ये देखिए इसमें आ गया। मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, प्रीव्यू आप देखते रहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कैसे वो दिखेगा। देखिए हमारा जो वेबसाइट बन रहा है जनावर, वेबसाइट का नाम क्या है, जनावर द पाकिस्तान, ओके, जनावर द पाकिस्तान, एनिमल इन पाकिस्तान, वो जैसे एनिमल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सलमान अली। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन मर्दान, मर्दान में कई तरह के जानवर है, और ये जो पिक्चर हमने चोटी की थी वो अब चोटी नज़र आ रही है। पिक्चर उस वर्कआउट करें दा बजता उस, तो मैं सबको आपको सिखाऊंगा कैसे लोग आपको कमेंट्स करेंगे यहाँ पर, फिर आपके कमेंट्स डायरेक्टली कहाँ पर जाएंगे, आप कहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें यहाँ क्या लिखेंगे ये सब मैं आपको तो स्लो स्लोली करके बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने आपने क्या करना है। ये मैं प्रीव्यू को मैंने क्लोज करनी है, आपने दूसरा पेज कैसे बनाया है। तो हम एक ही पेज में काम कर रहे हैं और हमारे पास कुछ खास है नहीं लिखने में। अच्छा, ये हमने कॉपी पेस्ट किया, ये हमने कॉपी पेस्ट किया, मगर इसमें ये उर्दू वाला हमने कॉपी पेस्ट किया या इंग्लिश वाला हमने कॉपी पेस्ट किया। अब मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ कुछ और। देखिए मैंने एक 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 कोला है, एक एक गूगल में ऑन किया है, एनिमल्स इन कनाडा, एनिमल्स इन कनाडा। देखिए कितने सारे एनिमल्स हैं। मैंने एक तस्वीर पर क्लिक किया, ओके, मैंने तस्वीर पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के पास साथ ये आ गया कॉपी इमेज, कॉपी इमेज, इसको कॉपी करना है। मैंने कॉपी इमेज किया और इस फिर से पोस्ट एडिट, वो जो मैं ब्लॉगर था उस पर क्लिक करके वहाँ चला गया और मैं कॉपी, इसको नीचे आया यहाँ पर और इसको पेस्ट कर दिया, इस उसी को राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। जब मैंने पेस्ट कर दिया तो देखते वही पिक्चर आ गई जो मैंने गूगल से ली थी ना, वही पिक्चर मेरे इसमें से आ गई, ओके। अगर आपने अपने ब्लॉग को, अपने वेबसाइट को कामयाब करना है तो आपने ये नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये देखिए ये था, मैं इसको डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया। आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपने इसको नहीं लगाना, कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगा आपके कॉपीराइट्स में आ जाएगा, ठीक है, आपके कॉपीराइट्स में आ जाएगा। आप तस्वीर कहीं से भी ले सकते हो सकता है कहीं और से आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाए, आप खुद खींचिए पिक्चर, या गूगल से मत लीजिए, क्योंकि ये गूगल ही का काम है, गूगल के साथ सब कनेक्टेड है। जब गूगल के साथ कनेक्टेड होगा तो उस पर आएगा, उस पर डेफिनेटली 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 आपका आएगा कॉपीराइट, और जिससे फिर आपको पैसे नहीं मिलने वाले। कॉपीराइट्स मतलब आपने कहीं से ये आपने कहीं से चुराया है, ओके, और चुराए वाली चीज़ पर अंग्रेज पैसे नहीं देते, आपका अपना होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहीं से पिक्चर ले भी रहे तो उस पर कॉपी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैंने किया, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल इन मर्दान, अपडेट करना चाहिए। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो ये फिर सेव नहीं होगा। मैंने अपडेट कर दिया, मैंने वैसे यहाँ भी थोड़ा सा थोड़ी सी चेंजेस करनी थी, एनिमल्स इन पाकिस्तान, ओके, एनिमल्स इन पाकिस्तान, ये जो यहाँ जो था उसको भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा करना था ताकि आपको नज़र आए। कलर्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर आप कोई भी यूज़ सकते हैं, पर जो भी करें ओरिजिनल करें, ठीक है। हमने अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद मैं फिर से वापस चला गया, मैं फिर से अपने ब्लॉगर में वापस चला गया। मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा, रीडिंग लिस्ट सेटिंग कैसे करते हैं, थीम कैसे बनाते हैं, पेजेस कैसे बनाते हैं, इस पर अर्निंग कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखिए अर्निंग लिखा हुआ है, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, गूगल वाले आपको पैसे देंगे। स्टेटिस्टिक क्या है इसके, मैं स्टेट पर करता हूँ तो इसके कोई फॉलोअर नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि मैं ये अभी सीख रहा हूँ। पोस्ट क्या क्या है मेरे, ठीक है, पेजेस क्या है, पेजेस अब हम देखेंगे, मैं हमारे कोई पेजेस नहीं है, हमारा सिर्फ एक मेन पेज है। अब हमने बाकी पेजेस करने हैं जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके पार्ट नंबर 4 में देखेंगे।
तो ये पोस्ट जो हमारा था, हमने जाकर यहाँ ये जो आंख का निशान बना है ना, व्यू व्यू पर क्लिक किया ताकि मैं देख सकूँ कि क्या ये सही में सब कुछ सेव हो गया है या नहीं हुआ। देखिए सब कुछ हमारा सेव हो गया है, पिक्चर भी छोटी हो गई है, बाकी जो वीडियो थे पहले वाले जो हमने वीडियो टू में पार्ट टू में जो वीडियो डाले थे वो भी हमने रिमूव कर दिए, और आज हमने उर्दू लिखना शुरू कर दी। कैसे उर्दू लिखते हैं पूरी वीडियो देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी चीज़ों से पैसे कमाइए, अच्छी चीज़ों से पैसे कमाइए। अगर जिस तरह आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, अगर 3-4 साल से पहले से अगर आपने ये किया होता तो अब इसके कुछ ना कुछ पैसे आए होंगे, एक कम से कम $20 महीने के आए, वो भी बहुत है। ओके तो आप हिम्मत ना हारिए, ये मुश्किल काम है पर आपको करना है, हम सब ने मिलकर करना है। दुआ में याद रखिएगा, सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पामान।